श्री मेघराज जैन जी। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आपको बहुत धन्यवाद, मुझे बोलने का अवसर मिला। संविधान निर्माता आदरणीय बाबा साहब अम्बेडकर ने, उनका मत था कि आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र के बिना राजनीतिक लोकतंत्र अधूरा है। इसी मूल भावना को, उनके इस भावना को पूरी करने के लिए हमारी सरकार काम कर रही है। आदरणीय महोदय, प्रधानमंत्री ने लाल किले से देश को संबोधित करते हुए स्वच्छता के लिए बात कही। देश में स्वच्छता हो, इसके लिए उन्होंने आह्वान किया, तो एक दूसरे स्वनाम धन्य नेता, उन्होंने उसकी मजाक उड़ाई। उनकी आदत है, और तो कुछ कर नहीं सकते, हर बात की मजाक उड़ाते हैं। उन्होंने मजाक उड़ाई, सारे देश भर में भाषण करते फिरे कि प्रधानमंत्री ने क्या किया, देश के हाथ में झाड़ू पकड़ा दी, देश के हाथ में झाड़ू पकड़ा दी, सारे देश भर में भाषण किया। पर देश की जनता ने उसको बहुत गंभीरता से लिया। देश के बड़े बड़े कलाकार, उद्योगपति, व्यापारी, विद्यार्थी, किसान, महिलाएं, यहाँ तक कि स्कूल के बच्चों ने भी उस अभियान को एक आंदोलन का रूप दिया देश में। और आज पूरे देश के जिधर भी आप जाओ, आपको एक सफाई दिखेगी, यानी लोगों में एक सफाई के प्रति आकर्षण हुआ। उनको समझ में आया कि साफ सफाई रहने से हमारा स्वास्थ्य ठीक होगा, हमारा वातावरण ठीक होगा, पर्यावरण ठीक होगा, और इसलिए आज देश में सफाई हुई। और उसके कारण उनकी बोलती बंद हो गई जो नेता इस बात की बात करते थे। आदरणीय महोदय कहते, अभी कल उन्होंने भाषण दे दिया कि प्रधानमंत्री की बात को कोई महत्व नहीं देता है। उनको पता है इस देश में, कल जैसा अध्यक्ष जी ने कहा, माननीय शाह जी ने, कि लाल बहादुर शास्त्री के बाद आदरणीय मोदी जी एक ऐसे नेता हुए जिनके कहने पर देश में 1,30,00,000 लोगों ने अपनी सब्सिडी छोड़ दी। छोड़ता है कोई? एक पैसा छोड़ने को तैयार नहीं होता आदमी, अपनी सब्सिडी छोड़ी गैस के अंदर। ये किसी नेता की जनता के प्रति कितना विश्वास उस नेता पर जनता का है, कितना उसके प्रति मन में एक श्रद्धा है कि उसके कहने से उन्होंने सब्सिडी छोड़ दी। तो ये स्थिति, और उसका मजाक उड़ाया जाता है, उसको कहा जाता है कि ये तो इनकी कोई सुनता नहीं है। आज ये स्थिति बना दी कि जिनको सत्ता से जनता ने हटा दिया, आज सत्ता से बाहर होने के बाद उनके अंदर खींच पैदा हो गई है, और इसलिए किसी भी सही बात को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। गांव कांग्रेस ने मनरेगा देश में लागू किया, उसको खूब शोर मचाया, उसका बताया कि हमने ये किया गरीबों के लिए, जरूर किया, गेती फावड़ा उनके हाथ में पकड़ाया और उनको कहा कि जाओ मिट्टी खोदो। उनको जो पैसा दिया जाता था, उस पैसे को भी आधा अधूरा पैसा मिलता था, खून पसीना बहाते थे, आधा पैसा मिलता था और आधा पैसा बीच में खा जाते थे। आज उसको आधार से लिंक करने से, खाते खोलने से उनका पैसा उनको बराबर मिल रहा है, उसकी भी आपत्ति है। कोर्टों में जा रहे हैं बड़े बड़े वकील, सब आधार से मत जोड़ो, आधार हमारी निष्ठा खत्म कर देगा। कौन सी निष्ठा खत्म हो जाएगी? भ्रष्टाचार की निष्ठा, काय की निष्ठा थी आपकी, कौन सी गोपनीयता थी आपकी? आज वो हजारों करोड़ जो बचे हैं पैसे, इस भ्रष्टाचार जो करते थे देश के, आज विकास के काम में आ रहे हैं। हमारे आजाद साहब ने कहा कि हमारी योजनाओं को रिपेयरिंग करते हैं, आज है नहीं, चले गए बाहर, कहीं सुन रहे होंगे, आदरणीय आजाद साहब, हम रिपेयरिंग नहीं करते। आपकी योजना थी, आपने बनाई, उसका ढिंढोरा पीटा, उसका लाभ लिया, चुनाव में जीत गए, बाद में उसको कूड़ेदान में फेंक दी। हमने अगर वही योजना अगर आपकी है जैसा आप कहते हो, मैं मान लेता हूं, उसको हमने पुनर्जीवित किया, उसमें प्राण फूके,
और देश में उनको लागू किया और उन योजनाओं के कारण आज देश में लोगों को लाभ हो रहा है। आज गरीब, दलित, आदिवासी, युवा, महिला, धर्म, जाति, प्रांत से ऊपर उठ करके अनेक योजनाओं का लाभ प्राप्त करके और अपने जीवन को विकास कर रहे हैं। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, हमारे किसानों के लिए कृषि बीमा योजना, उनका लाभ किसानों को मिला। मध्य प्रदेश में हमने बिना ब्याज का ऋण दिया। मध्य प्रदेश सरकार ने 3 लाख रुपए बिना ब्याज का ऋण देने की योजना बनाई। किसान लेता है, वापस देता है, ब्याज नहीं देना पड़ता है। 1 लाख रुपए अगर ऋण लिया है तो ब्याज भी मत दो, 1 लाख की बजाय 90,000 रुपए जमा कराओ। ये योजना किसानों के लिए लागू करी। प्रधानमंत्री सिंचाई योजना चालू की, उसकी जमीन सिंचित हुई, उसकी आमदनी बढ़ी। डेयरी उद्योग, पशुपालन, दुग्ध उत्पादन के अतिरिक्त आमदनी, जैविक खेती से खेत में लागत कम होने जैसे उपाय किए गए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देश की इस गरीब, दलित, आदिवासी, युवा, महिला, कृषक और मजदूरों की सेवा का पूजा का व्रत लिया है, जिसे पूरा करने के लिए हम प्रधानमंत्री जी और उनके सब साथी जी जान से जुटे हुए हैं। अब विरोध करते तो क्या करें, खंभा नोच रहे हैं। मुद्रा योजना के अंतर्गत 10 करोड़ लोगों ने 4 लाख करोड़ का ऋण लिया, उनका स्वीकृत हुआ। 3 करोड़ लोग पहली बार उन्होंने कोई उनको ऋण मिला, उन्होंने ऋण लिया। हमारे राजा साहब ने कहा कि वो तो 41,000 रुपये से ज़्यादा ऋण मिलता ही नहीं है। आदरणीय, ये कोई माल्या के लिए शुरू करी हुई योजना नहीं है, ये योजना उन गरीबों के लिए है, उन दलितों के लिए है, उन आदिवासियों के लिए, उन गरीबों के लिए, उन झुग्गी झोपड़ी में जो काम करते हैं उनके लिए, जो टीन टिप पर ठोकते हैं, जो मैकेनिक होकर छोटे मोटी गाड़ियां सुधारते हैं, उनके लिए ये ऋण है। और इसलिए उन गरीब लोगों ने ऋण लिया। छोटा गरीब आदमी से इतना ऋण चाहिए, वो क्या करता था, किसी साहूकार के पास जाता था, जाकर लेके आता था 200 रुपये, 500 रुपये, 1,000 रुपये लेके आता था, और इतना उसका देना पड़ता था कि 200 रुपये लेके आया तो शाम तक 20 रुपये देना पड़ेंगे 200 रुपये के साथ। इतना उसको देना पड़ता था, खून पसीना का उसकी जो मेहनत है वो साहूकार को देना पड़ती थी। आज उससे वो मुक्त हुआ है। गरीब रिक्शा वाला, ठेले वाला, चाय बनाने वाला, मूंगफली बेचने वाला, सब्जी बेचने वाला, पकौड़े बनाने वाला, रिक्शा और ठेला चलाने वाला, इन सब लोगों को आज इससे ऋण मिला है। और वो आज इस प्रकार कई महिलाओं को ऋण मिला है और अपना जीवन स्तर सुधार रहे हैं। उस पर भी आपत्ति है। कोई कहता है पकौड़ा बेचना अगर ये मजदूरी है तो फिर भीख मांगना भी मजदूरी है। अब भीख मांगना और पकौड़े बेचना, भीख आदमी कितनी मजबूरी में मांगता है शायद उनको नहीं मालूम है। और पकौड़े बेचना, एक छोटा आदमी रातों रात तो उसको 1,00,000 करोड़ रुपये का दे दो बिजनेस नहीं कर सकेगा, धीरे धीरे विकास करेगा अपना। रोज अखबारों में, समाचार पत्रों में आता है छोटे से व्यवसाय शुरू किया और आदमी धीरे 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 आज कहाँ पहुँच गया। अब पकौड़े बना करके, बेच करके, मूँगफली बेच करके, सब्जी बेच करके, ठेला चला करके, परिश्रम करके अगर वो 200-400 रुपये कमाता है रोज, और शाम को जब घर जाता है तो बड़े आत्मसम्मान के साथ, बड़े सुख के साथ अपने परिवार के साथ बैठ करके और अपने परिश्रम की रोटी खाता है, उसको एक संतोष प्राप्त होता है, वो भी पसंद नहीं है, उसको भीख का दर्जा दे दिया। तो आपने जो मनरेगा चलाया था, वो मजदूरी करने के लिए गेती फावड़ा दिया था, उसमें 200 रुपये मिलते थे उसको, वो क्या भीख थी? समझ में नहीं आता क्या बोलते हैं। उनके दिमाग में केवल माल्या जैसे बड़े लोग हैं जिनका दिवाला निकल गया था, उसके बाद भी उनको 1,000 करोड़ रुपये बैंक से लोन दिलाया गया, वो खा के भाग गया। ऐसे अनेक एनपीए के जितने केस हैं, जरा देखो किनने उनको ऋण दिया, किनके जमाने में ऋण दिया गया, वो एनपीए हुई क्या हुआ उनका, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई, अब कार्रवाई हो रही है, संपत्तियां जब्त हो रही है लोगों की, लोग जेल जा रहे हैं, पैसा जमा करा रहे हैं, नहीं करा रहे तो जेल जा रहे हैं। आज ये स्थिति है, इसकी भी मजाक उड़ाई जा रही है। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, हमारे आजाद साहब ने सरदार पटेल की बात कही। सरदार पटेल साहब
जैसा अभी हमारे उदाहरण बता दिया आदरणीय रामचंद्र सिंह जी ने कि अगर पटेल की बात मान ली होती, पटेल को सम्मान दिया होता, तो आज ये कश्मीर की समस्या हमारे सामने नासूर बन करके नहीं खड़ी होती। हमने अरबों रुपया फूका है कश्मीर में, हजारों जवान, लाखों जवान हमारे शहीद हुए हैं लगातार इतने वर्षों में कश्मीर में। यह सब सारा किसके कारण हुआ है? इसका जवाब है आपके पास? इसका जवाब दे सकते हो? कौन है इसका दोषी? अगर नाम ले लेंगे तो उछल पड़े हैं एक मिनट में। आप अपमान कर रहे हो हमारे नेता का, पर यह उनकी सोच और उनके कारण आज ये देश तबाह हुआ है। तिब्बत की बात कही, राजेंद्र बाबू ने कहा, सरदार पटेल ने कहा, बाकी लोगों ने कहा कि तिब्बत को मत ये करिए, पर नहीं। तो उस समय तो एक पंचशीलकार उसका नशा चढ़ा हुआ था, तस्तरी में रख करके तिब्बत को चीन को दिया गया। दुनिया समझती एक बफर स्टेट रहना चाहिए बीच में, पर वो समाप्त करके चीन को हमारे दरवाजे लाकर खड़ा किया। कौन दोषी उसका? आज डोकलामा की बात करते हैं, बार बार एक नेता है पार्टी के, उनके अध्यक्ष हैं, वो चाहे जाओ कुछ भी बोलते हैं। ये किसके कारण हुआ है? चीन क्यों आया यहां तक? इसके बारे में जरा विचार करो, माफी मांगो देश से उसके लिए। परंतु आज बोलते हैं चाहे जो। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, राष्ट्रपति का जो अभिभाषण है, उस अभिभाषण के अंदर गरीब की, किसानों की, दलितों की, मजदूरों की, महिलाओं की बात कही गई, उनके विकास के लिए कहा गया। बोले बजट, अभी जो बजट आने वाला है उसके बारे में भी उन्होंने कह दिया। पहले कहा कि आपने क्या कहा इस भाषण में, कुछ नहीं है। अब उसके अंदर बड़े उद्योगपतियों की बात करते तो उनको बढ़ाया होता, सब्सिडी दे रहे किसानों को। हमने उज्ज्वला योजना के अंदर महिलाओं को गैस कनेक्शन दिए, शौचालय बने गांव-गांव के अंदर, प्रधानमंत्री सड़क योजना आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी के समय, जो काम 1952 में होना था, सबसे पहला काम होना था प्राथमिकता के आधार पर कि गांव को सड़कों से जोड़ा जाता तो गांव से पलायन नहीं होता, गांव की सब्जियां और दूध बाजार में आ जाता। इसलिए दूध नहीं पैदा किया लोगों ने, बाजार में जाने की व्यवस्था नहीं थी, छोटी छोटी पुलिया नहीं थी, नाले थे, लोग जा नहीं सकते थे, पर उस समय करा नहीं। अटल जी के समय प्रधानमंत्री सड़क योजना बनी और आज गांव का विकास हो रहा है, गांव को सड़कों से जोड़ दिया गया है, कस्बों को सड़कों से जोड़ा है, आज देश की सड़कें ठीक हुई है, आवागमन के साधन बढ़े हैं। यह तरक्की देश की हजम नहीं हो रही है कुछ लोगों को। गरीब की बात क्यों कर रहे हो? आज तक आपने गरीबी हटाने का नारा दिया, गरीब का विकास नहीं किया। योजना ये थी, मुझे याद एक घटना, मैं उस घटना का उल्लेख करना चाहता हूं। 80 के अंदर जनता सरकार गिर गई, जनता सरकार गिर गई तो चुनाव हुआ, चुनाव के अंदर जनता सरकार हार गई। हमारे कांग्रेसी मित्र थे, मैंने उनने मुझसे पूछा कि समझ में आया आपके सरकार कैसे चलाते हैं, आपको सरकार चलाना नहीं आती। मैं क्यों भाई क्या हो गया? बोले आपने लोगों को सब लाइनों से हटा दिया, घासलेट की लाइन समाप्त, शक्कर की लाइन समाप्त, गेहूं की लाइन समाप्त, कोयले की लाइन समाप्त, हर चीज की लाइन लगती थी। लोग सुबह से शाम तक उसी में रहते थे, बड़ा खुश होते थे कि मैं अपने झोले में 2 किलो अनाज लेके घर आ गया, शक्कर लेके आ गया तो बड़ा खुश होकर कहता था शक्कर ले आया, घासलेट मिल गया तो बोलता समझता था मुझे मिट्टी का तेल मिल गया। आपने सब लाइनें समाप्त कर दी, 2 रुपये किलो, 1.5 रुपये किलो शक्कर उस समय मिलने लग गई थी और सब लाइन बाजार कंट्रोल की दुकानें बंद हो गई थी एक प्रकार से। तो उनने कहा कि अभी लोगों के पास कोई काम नहीं रहा, आदमी रोटी खाता और फालतू बैठा बात करता है, चरण सिंह ने क्या करा, मुरारजी ने क्या करा, फलाने ने क्या कहा, जगजीवन राम ने क्या कहा, और दिन भर ये चर्चा करके आपके बारे में और बन गया कि सरकार काम की नहीं है, आपको हटा दिया। हमने तो उनको लाइन में लगा रखा था, उनको सरकार के बारे में विचार करने का मौका ही नहीं था। ये इनकी सोच है, ये चाहते गरीब गरीब बना रहे और उनको इस प्रकार का जो है गरीब का वोट उनको मिलता रहे। अगर गरीब के पेट में रोटी पहुंच जाएगी, अगर पहले पेट भर गया, भुभिक्षतम किम न करोति पापम, भूखा आदमी सब प्रकार का पाप करता है, अगर उसको रोटी मिल गई तो बाकी पाप बंद हो जाएंगे, उसका दिमाग लगेगा, पढ़ाई में जाएगा, सोचने लगेगा तो हमारे बारे में सोचेगा, फिर अगली बार हमारी सरकार नहीं आएगी। इसलिए इन्होंने कभी गरीब को उठने नहीं दिया,
आज जब गरीब की बात होती है तो इनको लगता है योजना काय के लिए, कोई इसमें से कोई विकास की बात नहीं है, केवल किसान को बजट किसान का कर दिया। किसान इस देश की रीढ़ की हड्डी है। मैंने जब राजनीति प्रारंभ राजनीति में आया तो पंडित दीनदयाल जी को मैंने पढ़ा, नानाजी देशमुख ने उत्तर प्रदेश में नया एक नारा दिया था, हर खेत को पानी हर हाथ को काम। खेत को जगह पानी नहीं मिलेगा, उसको खाद नहीं मिलेगा, उसको बिजली नहीं मिलेगी, उसको बीज नहीं मिलेगा, किसान कैसे तरक्की करेगा। हमने यूरिया के लिए लोग लड़ते थे, ब्लैक में मिलता था, झगड़े होते थे यूरिया के लिए, लाइनें लगती थी पहले से जाकर के, एक आगे यूरिया गांव में सोसाइटी में लोग दौड़ पड़ते थे। आज वो समस्या समाप्त हो गई, क्यों? उसकी कालाबाजारी बंद हो गई यूरिया की, नीम कोटेड यूरिया कर दिया है। आज खूब आराम से उनको चाहिए जितना इस प्रकार का यूरिया किसान को मिल रहा है। और हम तो चाहते हैं, हमने नई योजना बनाई है कि यूरिया भी उसको लेना नहीं पड़े, जैविक कृषि हो, उससे अनाज शुद्ध अनाज पैदा हो। अभी हमारे कश्यप जी बोल रहे थे अनाज दूध फल सब्जियां सब जहरीली हो गई है इन रासायनिक कीटनाशकों और खाद के कारण। जैविक कृषि करने से लोगों का स्वास्थ्य सुधरेगा, पर्यावरण सुधरेगा, जीव विविधता सुधरेगी, बचेगी, पीने का पानी शुद्ध होगा। आज पीने का पानी शुद्ध नहीं है, ट्यूबवेल का पानी जहरीला हो गया है। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, ये सब काम करने का बीड़ा जो प्रारंभिक काम है, छोटा काम है, नीचे से देश का विकास होगा, ऊपर से देश का विकास नहीं हो सकता। ये 70 साल में देख लिया हमने, ये ऊपर से विकास करने की योजना फेल हो गई। विकास नीचे से होगा, जमीन से होगा। प्रत्येक आदमी जिसकी बीवाई फटी हुई है, जो सबसे नीचे पायदान पे खड़ा है सीढ़ी पर, पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय ने कहा था कि सबसे नीचे पायदान पे खड़े हुए व्यक्ति की फटी हुई बीवाई को जब हम भर न देंगे, जब तक उसकी आंख का आंसू पोंछ न देंगे, तब तक हम जो है समझेंगे कोई विकास नहीं होगा। सबका साथ सबका विकास, कोई जाति पाति भाषा प्रांत धर्म सब छोड़ करके, सबको साथ में लेकर के, हमारा सबका एक नाता है, भारत ही हमारी माता है, हम सब इसके बेटे हैं, इससे प्राप्त सब प्रकार की सुविधा समाज के प्रत्येक वर्ग को मिले। मैं बड़े गर्व से बात कहता हूं कि मध्य प्रदेश में जो जो योजनाएं शुरू करी हमने, एक भी योजना में किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं हो रहा है। कन्यादान योजना, सामूहिक रूप से निकाह हो रहे हैं, मुख्यमंत्री जा रहे हैं, प्रत्येक कन्या को 25,000 रुपए का सामान सरकार की तरफ से दिया जा रहा है। हर योजना में कोई भाषा कोई प्रांत कोई जाति कोई ऊंच नीच कोई भेदभाव नहीं है, सबको समान रूप से लाभ मिल रहा है। इस प्रकार का हमारा शासन करने की पद्धति है। और अगर ये पद्धति सफल हो गई, गरीब आदमी खड़ा हो गया, एक बार उसकी गरीबी दूर हो गई, किसान अगर जाग गया, किसान की गरीबी दूर हो गई, किसान की गरीबी दूर करने आप कैसे करोगे डेढ़ गुना? अरे भाई, उसको अनेक प्रकार की सहायता दी जाएगी, दी जा रही है। सिंचाई का रकबा 6 लाख एकड़ जमीन मध्य प्रदेश में सिंचाई होती थी, जब हमारी सरकार आई आज 40 लाख एकड़ जमीन सिंचाई हो रही है। क्या हुआ था? 60 हो गई, 60 लाख हो गई। अब बरगी हमारा बांध बना दिया, कहां पर? ये रीवा के पास में एक बांध बन गया, नेरे नहीं बने बांधों, खाली बांध बने हुए, नेरे नहीं बनी। खत्म करता हूं, नेरे नहीं बनी। बरगी डैम बन गया, एक तरफ की नहर बनी, वहां के नेता को जिसके उनके इलाका था वहां की नहरें बन गई, दूसरी तरफ की नहरें नहीं बनी थी। हमारी सरकार आई, हमने उन नहरों को बनाया। आज सिंचाई के साधन हैं, गांव गांव में साधन है, गरीब बच्चों को, आदिवासियों को, हरिजन दलित बच्चों को, अनुसूचित जाति के बच्चों को हमने लोडिंग रिक्शे दिलवाए, सरकार ने मेले लगाकर उनको चाबियां दी। आज वो एक एक रिक्शे के ऊपर दो दो बच्चे सब दूर अपना काम कर रहे हैं, पैसा कमाते हैं, शाम को बड़ी खुशी से जाते हैं। आपको मैं झाबुआ जिले का एक वर्णन कहकर अपनी बात समाप्त करता हूं। मैं सन 1963 में झाबुआ जिले में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का प्रचारक था, तब वहां पर आदिवासी के सिर पर एक धागा कपड़ा बंधा रहता था, कमर में एक धागा रहता था और एक कपड़े की पट्टी उसके आगे लगी रहती थी इसके, और हाथ में तीर कामता होता था। आज आपको कोई दृश्य दिखाई नहीं देगा, आप जब जाओ तो आपको हर नौजवान के पास मोटरसाइकिल मिलेगी। एक चार बच्चे अगर आदिवासी के घर में, तो 4 मोटरसाइकिलें हैं, आज उनके घर पक्के हैं।
पढ़े लिखे बच्चे हैं, बच्चे हैं, स्कूल जा रही है, सरकार ने साइकिलें दी है, ड्रेस दी है, किताबें दी है, और इस प्रकार का एक विकास का रास्ता जो भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी एनडी दलों के लोगों ने तय किया, उस रास्ते पर चलते हुए हम इस देश का विकास करने के लिए प्रतिबद्ध है। आदरणीय राष्ट्रपति जी ने, महामहिम राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में इस बात का उल्लेख किया है, और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अमित शाह जी ने वो जो धन्यवाद का प्रस्ताव रखा है, मैं उसका समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। भारत माता की जय। धन्यवाद।